हेलो एंड वेलकम टू ऑल, माय नेम इज सानू यसवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल स्टडी फॉर ऑल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन जो कि रिकॉर्डेड वर्जन में मैं लेके आया हूँ। अगर क्वालिटी में कुछ थोड़ा सा कमी आ रही होगी तो वो नेट का इश्यू हो सकता है, तो उसमें आप जब वीडियो चल रहा होता है तो इसमें साइड में सबसे लास्ट में कॉर्नर पे ये 3 डॉट्स होते हैं राइट साइड में दाएं साइड में, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्वालिटी पे आप पिक्सल इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक 480 पिक्सल आता था लेकिन अब जल्दी से रिसेंटली 720 पिक्सल पे भी अब कार्य करेगा, जिससे जितना पिक्सल बढ़ाएंगे तो उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस जीएस दोनों कवर अप हो जाएंगे इससे। तो देखिएगा ध्यान से, कृषि कानून के खिलाफ बिल प्रस्ताव लाने वाला और उसको पारित करने वाला राज्य कौन सा बना, तो पंजाब। जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे विभिन्न राज्यों में कृषि बिल कानून के खिलाफ बहुत ही जोरदार प्रदर्शन हुआ, उसको देखते हुए पहला बिल इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पर अगर पूछा कि पंजाब की राजधानी क्या है तो चंडीगढ़, ठीक। पंजाब के सीएम के वर्तमान कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान के चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जिन्हें कहते हैं। गवर्नर की बात की जाएगी पंजाब के कौन है, तो विजेंद्र पाल सिंह। कौन है, विजेंद्र पाल सिंह। अच्छा, पंजाब से अगर बात कर ली जाए, देखा जाए तो लोकसभा से कुल 13 सीटें आती हैं, राज्यसभा से 7 सीटें आती हैं और विधानसभा से 117 सीटें आती हैं, ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। साथ साथ अगर पूछा जाएगा पंजाब का लोक नृत्य क्या है, तो भांगड़ा तो सबको पता होता है, भांगड़ा तो सबको पता होता है, बट गिद्दा जब पेपर टफ करना होगा तो यही पूछता है कि पंजाब का लोक नृत्य फोक डांस क्या है, तो गिद्दा पे लगाएंगे, ठीक है। और वैसे भांगड़ा तो जानते हैं, पंजाबी का फेवरेट डांस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि किस टेलीकॉम कंपनी ने फीमेल की सेफ्टी को देखते हुए, यानी महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए, ठीक है, एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है, बनाया है, मोबाइल ऐप बनाया है, उस मोबाइल ऐप का नाम पूछेगा क्या है, तो उस मोबाइल ऐप का नाम है माई अंबर मोबाइल ऐप। क्या नाम है इसका, माई अंबर मोबाइल ऐप। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप फॉर वुमेन सेफ्टी, ठीक है। अच्छा, बात किया है कि वोडाफोन आइडिया कब मर्ज हुई, तो बताया जाता है 31 अगस्त 2018 को ये दोनों एक दूसरे से सम्मिलित हुई। अगर बात किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो वोडाफोन आइडिया का हेडक्वार्टर गुजरात, गुजरात के कहाँ पर स्थित है, तो गांधीनगर। गुजरात के किस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले में स्थित है, तो गांधीनगर में स्थित है। अच्छा, साथ साथ जो माई अंबर मोबाइल ऐप है वो घरेलू हिंसा से बचाव के लिए भी लाया गया है, जो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ठीक है, जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो अगर कहीं भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो इसके खिलाफ भी, तो आप माई अंबर मोबाइल ऐप के थ्रू आप ये मतलब कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, इनको मतलब कि कंप्लेन कर सकते हैं उस परिवार अगर आपके साथ जाप्ती कोई कर रहा है, ठीक है। अगर बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, इसको आप समझ ही गए होंगे। अगर बात की गई कि इसको सीईओ कौन है, संस्थापक कौन है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बात की गई कि इसके संस्थापक कौन है, तो देखिएगा इसके संस्थापक बहुत ही रिच हैं, वैसे भी रिच ही होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसके कुमार मंगलम बिरला कौन है, कुमार मंगलम बिरला यहाँ के क्या हैं, संस्थापक हैं, इसको इस्टेब्लिश किया है, तो बिरला जानते हैं कितने बड़े टाइकून हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है कि ये वोडाफोन आइडिया के सीईओ कौन है वर्तमान के, ठीक है, इसको कौन एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो रविंद्र कुमार जी हैं। कौन है, रविंद्र कुमार जी यहाँ के सीईओ हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसको आप रफ कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, इसको रफ कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक, इसको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अगर कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं, कोई टॉपिक आपको समझना हो तो उसका मैं वीडियो प्रॉपर बना सकता हूँ, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, जिससे कई सारे क्वेश्चन मैं टच कर सकूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछाएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट आई हुई है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है,
माइग्रेशन, जो माइग्रेट हो गए हों, मतलब दूसरे राज्य दूसरे देशों में चले गए हों, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, उसका आउटलुक रिपोर्ट देखा गया है कि कौन कौन कितने लोग इस देश से उस देश में गए, इसका रिपोर्ट के बाद रैंक अलॉट हुई है, रैंक जारी की गई है, जिसमें पूछा है कि भारत का रैंक क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर बात किया गया इंटरनेशनल माइग्रेशन, मतलब विश्व स्तर पर जो माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब कोई जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, कोई ऑस्ट्रेलिया व्यक्ति इंडिया में आया, चाइना में गया, चाइना से कई लोग माइग्रेट हो रहे हैं वर्तमान में, तो ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसका रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो थोड़ा चिंता का विषय है, सेकेंड रैंक आया है। कौन सा रैंक आया है? सेकेंड रैंक, मतलब ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं, बिकॉज जानते हैं मिलियंस और मिलियंस पीपल्स की जॉब चली गई हैं कोविड-19 से, तो आप समझ ही रहे होंगे साथ साथ क्या हो रहा है, सारी चीज़ें रुकी ठप पड़ी हुई हैं, अभी भी रिलीज वगैरह अभी भी कोई सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। साथ साथ बात की गई इंडिया किस इंडिया के साथ साथ फर्स्ट कंट्री पे फर्स्ट रैंक किसकी है बात की गई, तो सबसे ज़्यादा माइग्रेट कहाँ से हो रहे हैं लोग जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट नंबर पे आपको सबको पता होगा चाइना ही होगी, कौन सी कंट्री है? चाइना। और अगर बात की गई थर्ड कंट्री पे कौन सी है, तो थर्ड कंट्री है रोमानिया, तो थर्ड पे कौन सी भी है? रोमानिया है, तो इसको आप लिखते चले जाइएगा, आपका ये सब कवर होता जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे अपना इंडिया है, थर्ड नंबर पर रोमानिया है, तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, किस राज्य ने उच्च शिक्षा, ध्यान से देखिएगा, उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए, देख किस राज्य ने, ध्यान से देखिएगा कि किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने कौन सी शिक्षा भी है उच्च शिक्षा में, मतलब कि हायर एजुकेशन में, मतलब 10+2 वगैरह हो गया उससे ऊपर, ठीक है, हायर एजुकेशन में मतलब उच्च शिक्षा में ई लर्निंग, ध्यान से देखिएगा क्या नाम है इसका, ई लर्निंग के लिए, किस लर्निंग के लिए? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब यूट्यूब से पढ़ने के लिए, ठीक है, मीडिया से पढ़ने के लिए, मतलब कि नेट से पढ़ने के लिए, ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिससे हम नेट से पढ़ते हैं, ऐसे यूट्यूब से पढ़ते हैं, अनअकैडमी ऐप से पढ़ रहे हैं, आजकल कई सारी चीज़ें बायजूस हो गए, वो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे, तो इसमें ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल, ई लर्निंग यूट्यूब चैनल बनाया गया है, ठीक है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ई लर्निंग आप ले सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल बनाया गया है, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछाएगा कि उसका नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो उसका नाम है डिश टैवो, क्या नाम है? डिश टैवो, क्या नाम है? डिश टैवो है, तो क्वेश्चन पूछाएगा डिश टैवो क्या है, तो डिश टैवो एक ई लर्निंग यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जो किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया है। अगर बात किया गई कि किसने बनाया है, तो ये गोवा ने बनाया है, आप जानते होंगे गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो पणजी है, या पणजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पणजी या पणजी, एक बार देख लो पूरा यह साफ आ रहा है या नहीं, ठीक है, पूरा साफ आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो डिस्टावो जो कि ई लर्निंग यूट्यूब चैनल बनाया गया है हायर एजुकेशन के लिए, किसने बनाया है? तो गोवा ने बनाया है। गोवा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी पणजी है। अब बात की गई इसके सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत जी हैं। कौन है भैया? प्रमोद सावंत जी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर वो बात की जाएगी कि यहाँ के गवर्नर की बात की जाएगी, किसी बात की जाएगी भैया? गवर्नर की बात की जाएगी, यानी राज्यपाल की बात की जाएगी, जीओवी मतलब गवर्नर पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, गवर्नर, तो गवर्नर कौन है यहाँ के? तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है भैया? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो भगत सिंह कोश्यारी कौन है यहाँ के? तो यहाँ के कौन है? गवर्नर यानी राज्यपाल है, ठीक है, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। तो देखिए, गोवा स्टेट ने हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन का जो दिक्कतें आई थी कोविड-19 से, तो उनको ई लर्निंग यूट्यूब चैनल बनाया गया, उनको दिया गया है, जो उस चैनल का नाम है डिस्टावो। डिस्टावो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बात की किसने लॉन्च किया है, तो गोवा ने। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? तो कौन है गवर्नर? तो ध्यान से देखिएगा, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगर और क्वेश्चन पूछा है कि गोवा में कौन सा पक्षी विहार है, तो सलीम अली पक्षी विहार। कौन सा विहार?
देखिए बहुत आप सोच रहे होंगे हम गलत बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, सलीम अली नेशनल पार्क भी होता है यानी राष्ट्रीय उद्यान भी होता है, और सलीम अली पक्षी विहार भी होता है यानी बर्ड सेंचुरी भी होती है, जहाँ पे बर्ड रखे जाते हैं, ठीक है, बर्ड को सेफ रखा जाता है। तो सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। साथ साथ बात किया गया मोल्लेम, साथ साथ क्या बात किया गया मोल्लेम, मोल्लेम राष्ट्रीय पार्क मोल्लेम भी कहाँ पे स्थित है, तो मोल्लेम भी आपका कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। अगर स्पेशल के तौर पे मैं लिख दूँ सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, क्या लिख दूँ, सलीम अली एनपी मतलब नेशनल पार्क, तो बात की गई सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के कहाँ पे भैया, तो श्रीनगर में स्थित है। तो ये पूरा आपको डिटेल नॉलेज मिल गई होगी, समझ में आ भी रहा होगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, एक बार देख लूँ साफ साफ आ रहा है या नहीं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, तो देखिएगा ध्यान से, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप की है, किसने डेवलप किया भैया, डीआरडीओ ने, किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने क्या डेवलप किया है भैया, इन्होंने डेवलप किया है, डेवलप मतलब बनाया है, विकसित किया है, क्या बनाया है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, रेडिएशन मतलब रेडिएशन को रोकने वाली मिसाइल, ठीक है, जो रेडिएशन नहीं कॉज करेगी, रेडिएशन नहीं निकलेगी। जैसे जानते होंगे जापान पे जब परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो अभी तक लोग कैसे पैदा हो रहे हैं, बहुत ही वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही रेडिएशन ज़्यादा फैल गया था, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप किए, जिससे मैं उस लोकेशन को तो मार दें लेकिन भविष्य के लिए जो और लोग वहाँ पे जिए, लोग वो अपना जीवन यापन करें तो मरे ना, या कुछ विकार ना हो उनके मतलब कि शरीर में, ठीक है, उस बात की आई है कि उसका नाम क्या है, तो डीआरडीओ ने जो डेवलप किया है एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो उसका नाम क्या है, रुद्रम, क्या नाम भी है, रुद्रम, ठीक है, क्या नाम है, रुद्रम फर्स्ट, क्या नाम है, रुद्रम फर्स्ट नाम है, रुद्रम फर्स्ट, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, रुद्रम फर्स्ट, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने बताया था, ये आपको बताना है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। दूसरा बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको बताना है। दूसरा इसकी स्थापना कब हुई। तीसरा आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चौथा आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, हेड कौन है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स चार आंसर का जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि विश्व डाक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि विश्व डाक दिवस कौन सा दिवस भैया, विश्व डाक दिवस, दिस इज द अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस, तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा होता है, विश्व डाक दिवस होता है। ध्यान से देखिएगा ये क्या है, इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किसने किया था, तो यूनियन या यूनिवर्सल, यूनियन लिख दीजिए या यूनिवर्सल लिख दीजिए, ठीक है, यूनियन या यूनिवर्सल, पोस्टल यूनियन, तो इन्होंने सेलिब्रेट किया था, ठीक है, पोस्टल यूनियन, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने सबसे पहले विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। उसी दिन से मतलब उसी 9 अक्टूबर से विश्व में विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथ साथ बात की जाएगी कि ये सबसे पहले कब और कहाँ मनाया गया था, तो ध्यान से देखिएगा, पहले सबसे पहले बताया रहा है पूरी तरह से सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट कहाँ मनाया गया था, तो टोक्यो में मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था भैया, टोक्यो में मनाया गया था, और टोक्यो जानते हैं किसकी राजधानी मानी जाती है, किसकी राजधानी है, तो जापान की, किसकी राजधानी भी है, जापान की है, और ये सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 1979 में, कब इसको सेलिब्रेट किया गया था, तो 1979 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर बात की गई विश्व डाक दिवस, जो डाक है पोस्टल, इसका पोस्टल स्टाम्प, पोस्टल जो है, ठीक है, पोस्टल जो स्टाम्प होता है, जो जैसे बनती है पोस्ट ऑफिस से तो बनती है, तो पोस्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर विश्व में कहाँ पे है, तो विश्व डाक दिवस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो विश्व का जो डाक है, ठीक है, वर्ल्ड पोस्टल जो ऑफिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बर्न में है। कहाँ पे भी है, बर्न, और बर्न कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड। कहाँ पे भी है, स्विट्जरलैंड। इतने में कोई समस्या नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक बार देखता चलूँ कि साफ आ रहा है कि नहीं, ब्लर
बीच में ना हो, पूरा कंटेंट अच्छा मिले आपको। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको रफ कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और बता दे रहा हूँ, देखिए राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, यानी राष्ट्रीय का मतलब भारत में। ठीक है, जहाँ राष्ट्रीय दिवस अगर लिखा होगा यानी भारत में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डाक दिवस एक दिन बाद ठीक मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया रहा था, तो ये क्या हो जाएगा जो अभी हाल ही में मनाया गया, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा होता है, तो नेशनल क्या पोस्टल डे। ठीक है, तो राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अभी की बात क्या आएगी, डाक विभाग द्वारा, ठीक है, डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया है, तो किस विभाग द्वारा, डाक विभाग द्वारा, ध्यान से देखिएगा, किस विभाग द्वारा भैया, डाक विभाग द्वारा अभी हाल ही में क्या मनाया गया है, अभी हाल ही में क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह। तो ध्यान से देखिएगा, डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया है, जो कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह है, ध्यान से देखिएगा कब से कब तक मनाया गया है, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकता है। तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर को मनाया गया, कब मनाया गया भैया, 9 से, ध्यान से देखिएगा, 9 से 15 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है, तो ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय डाक दिवस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हम सके इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे स्थित है भैया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, कैपिटल में है। और अगर बात की जाएगी, और क्या क्वेश्चन पूछाएगा कि इसके डायरेक्टर कौन है, ठीक है, तो हमारे पोस्टल ऑफिस के पूरे पोस्ट का जो चेयरमैन है वो कौन है, हेड कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं, ध्यान से देखिएगा, बात कहेगी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके डायरेक्टर कौन है, ठीक है, तो डायरेक्टर है विनीत पांडे, कौन है भैया, विनीत पांडे, तो विनीत पांडे क्या है, डायरेक्टर हैं किसके, हमारे डाक संस्था के सबसे बड़े हेड हैं आपके विनीत पांडे। ठीक है, इतना मुझे तो समझ में आ रहा होगा, इसको मैं रफ कर सकता हूँ, ठीक है, इसको क्लिक कर लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। ठीक है, और अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक, अब आगे बढ़ूँ, ठीक है, आप मुश्किल से 17 मिनट का ये वीडियो होगा, 17 मिनट में आपका पूरा कवर अप हो जाएगा, डिटेल मैं आपको जीएस भी कवर कर रहा हूँ इसमें, और करंट अफेयर भी हो रहा है, सो आपको कहीं जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, आपको करंट अफेयर जीएस से तो कभी बिल्कुल, यहाँ से आप इस चैनल से आप सारी चीज़ मिलता रहेगा, आप बस पढ़ते जाइए और अपना सिलेक्शन लेते जाइए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश लगा दूंगा, एफर्ट आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, मैं पूरी जी जान लगाऊंगा। अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि भी हाल ही में 2 से 8 अक्टूबर के बीच में एक सप्ताह बनाया गया है, ठीक है, तो 2 से, ध्यान से देखिएगा, 2 से कब, 8 अक्टूबर को, 2 से 8 अक्टूबर को अभी हाल ही में कौन सा सप्ताह मनाया गया है, तो विश्व वन सप्ताह दिवस, विश्व वन्य सप्ताह दिवस क्या है, विश्व वन्य जीव सप्ताह दिवस, वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ वीक डे, ठीक है, विश्व वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया गया है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा होता है, तो विश्व वन्य जीव सप्ताह दिवस होता है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, पहली बार कब मनाया गया विश्व वन्य जीव सप्ताह दिवस, तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा कि पहली बार कब मनाया गया, तो 1952 में पहली बार मनाया गया। अगर बात की जाएगी इस बार का जो मनाया गया था, इस बार का जो 2020 का बात की गई, 2020 का जो मनाया गया है, तो ये किस बार, ये किस नंबर का था, तो 66वां वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया गया था, तो ये 66 नंबर का हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे इस बार। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, ये आपको पता ही होगा, आरबीआई के, किसके भैया, ध्यान से देखिएगा, आरबीआई के, तो आरबीआई के अभी डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, डिप्टी क्या भैया, गवर्नर, तो डिप्टी गवर्नर क्या हुए हैं, नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, एम राजेश्वर राव, क्या नाम है भैया, एम राजेश्वर राव,
क्या नाम है, एम राजेश्वर राव। सो एम राजेश्वर राव इज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ, न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। अन्य तीन और भी डिप्टी गवर्नर हैं, इनका भी नाम लिख लीजिएगा। अन्य तीन और भी हैं डिप्टी गवर्नर, चार होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अन्य तीन भी डिप्टी गवर्नर हैं तो ध्यान से देखिएगा, उनका नाम क्या है, एम डी पात्रा। क्या नाम है भैया, एम डी पात्रा, लिखते चले जाएगा, एम डी पात्रा हैं पहले। दूसरे कौन से हैं, तो एम के जैन हैं। दूसरे कौन है भैया, एम के जैन हैं, दूसरे हैं आपके एम के जैन हैं। और तीसरे बात की आएगी तो तीसरे कौन है, तो ध्यान से देखिएगा, बी पी कैनन गांव। क्या नाम है, बी पी कैनन गांव, नाम भी बड़ा अजीब गरीब है, कैनन गांव, ठीक है, बी पी कैनन गांव। तो एम डी पात्रा, एम के जैन एंड बी पी कैनन गांव, बी पी कैनन गांव अन्य डिप्टी गवर्नर हैं। अभी हाल ही में किसके अपॉइंट किया गया एज ए डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो एम राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया है। अच्छा बात की गई आरबीआई की स्थापना, सबको पता है कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और आरबीआई एक्ट कब आया था, तो आरबीआई एक्ट किस वर्ष आया था, तो ये आया था आपका 1934 में आया था, 1934 में अधिनियम आया और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना भी कर दी गई। तो इतना उम्मीद करता हूँ तुम्हें आया होगा। अच्छा बात कहेगी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ध्यान से देखिएगा, एच क्यू मतलब हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मुंबई है। कहाँ पे भी है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का, ठीक है। साथ साथ और बात कहेगी कि गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, आपको पता ही होगा आरबीआई के गवर्नर यानी सबसे सुप्रीम हेड कौन है, सुप्रीम हेड बॉडी का नाम क्या है, कौन है हेड बॉडी का नाम होता है, तो गवर्नर है। और गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। कौन है भैया, शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। आपको बताना है कि पूर्व आरबीआई गवर्नर कौन थे, ठीक है, पूर्व आरबीआई गवर्नर कौन थे, बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। और ये 25वें गवर्नर हैं, ठीक है, तो शक्तिकांत दास जो हैं 25वें गवर्नर के रूप में इन्होंने शपथ लिया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको लिखते जाइएगा, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने दूंगा, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो मास्क नो राइड अभियान। कोई क्या क्वेश्चन है, नो मास्क, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नो मास्क नो राइड अभियान, ठीक है, नो मास्क नो राइड मिशन, मिशन को बोलते हैं अभियान, मिशन को क्या बोलते हैं अभियान, ये किसने चलाया, तो ध्यान से देखिएगा, नो मास्क नो राइड मतलब आप अगर राइड, राइड का मतलब गाड़ी चलाना, चाहे फोर व्हीलर चला रहे हैं, चाहे टू व्हीलर चला रहे हैं, चाहे कुछ भी साइकिल चला रहे हैं, बाइसाइकिल चला रहे हैं, सो अगर आप मास्क को वियर नहीं किएंगे सो आप राइड भी नहीं कर सकते। तो नो मास्क मतलब मास्क नहीं रहेगा तो नो राइड मतलब आप गाड़ी वाहन भी नहीं चला सकते हैं खुले में, ठीक है। तो ये अभियान किसने लाया, तो ये अभियान लाया है भैया महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने लाया है भैया, महाराष्ट्र ने लाया है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, बात कहेगी, तो महाराष्ट्र के सीएम सबको पता है कौन है, उद्धव ठाकरे। कौन है भैया, उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एनसीपी और कांग्रेस के साथ, एनसीपी शरद पवार की है और कांग्रेस जानते हैं राहुल गांधी की सरकार के साथ इन्होंने अलायंस करके सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, ठीक है, 3 टीयर की इनकी गवर्नमेंट है। साथ साथ बात की आएगी कि जो नो मास्क नो राइड अभियान है वो महाराष्ट्र ने तो शुरू किया, तो महाराष्ट्र के किस जिले से शुरुआत की गया है, तो सांगली जिले से। तो महाराष्ट्र के सांगली, क्या नाम है भैया, सांगली जिले से शुरुआत की है नो मास्क नो राइड मिशन, ठीक है, तो सांगली जिले से इसकी शुरुआत की गई है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको मिल रहा होगा, बहुत ही मज़ा भी आ रहा होगा। और बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, मैं जो मेन क्वेश्चन में आपको वही बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो और भी आता रहेगा, ठीक है, बताऊँगा, ठीक है। और बात की जाएगी कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो सबको पता होगा, मैंने बताया था गोवा के भी गवर्नर कौन है, तो गोवा के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के भी गवर्नर कौन है, तो ध्यान से देखिएगा, गवर्नर महाराष्ट्र के कौन है, तो यहाँ भी एक ही गवर्नर है, मतलब गोवा के जो गवर्नर एक हैं और महाराष्ट्र के भी गवर्नर एक हैं, उनका नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है, भगत सिंह कोश्यारी। जैसे मैंने बताया था ना यूपी के गवर्नर आनंदी बेन पटेल हैं, तो उनको अतिरिक्त पदभार का राज्यपाल का पद दिया गया एमपी में, ठीक है, तो भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है, भगत सिंह कोश्यारी। और ये
ध्यान से देखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं गोवा में 2020 से थे। देखिए अगर बात की गई भगत सिंह कोश्यारी जो गोवा में थे, गोवा के भी गवर्नर हैं और आपके महाराष्ट्र के भी हैं, तो गोवा में 2020 से हैं, गोवा में कब से अभी नियुक्त किए हैं 2020 से, और महाराष्ट्र में कब से नियुक्त हुए हैं तो 2019। तो महाराष्ट्र में कब नियुक्त हुए हैं तो महाराष्ट्र में 2019 से गवर्नर पद की शुभारंभ इन्होंने किया था। अगर बात की जाएगी भारत ने टीबी को ख़त्म करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए, तो भारत ने किसको भैया टीबी को समाप्त करने के लिए, टीबी मुक्त करने के लिए, ठीक है, भारत ने टीबी मुक्त करने की घोषणा किस वर्ष की है, तो टीबी की मुक्त करने की घोषणा किससे कब की है तो 2020। टीबी कैसा रोग है तो टीबी का फुल फॉर्म आपको बताना है, मैंने कई बार पढ़ाया है, इसका फुल फॉर्म भी बताना है और ध्यान से देखिए फुल फॉर्म बताना है, साथ साथ आपको बताना है कि किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है या कवक द्वारा होता है, ठीक है। साथ साथ एक और बता दूं कि टीबी से जागरूक करने के लिए विश्व टीबी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया, विश्व टीबी दिवस भी मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। दिस इज़ द अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये बहुत ही जानकारी वाली बात है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बात करूँ तो और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया, तो विश्व समुद्री दिवस तो 2020 का कब मनाया गया, तो विश्व समुद्री दिवस 2020 का कब मनाया गया, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वर्ल्ड मैरीटाइन विश्व समुद्री दिवस, समुद्र को ओशन बोलते हैं और ये समुद्री है तो मैरीटाइन हो जाएगा, तो ये 24 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया तो इस बार 2020 का अगर बात की जाएगी, 2020 का बात की जाएगी कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया तो 24 सितंबर को मनाया गया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसको मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ आपसे, बहुत सारा क्वेश्चन जाने होंगे, जीके का भी आपका कवर अप हुआ होगा और आपका करंट अफेयर भी कवर अप हुआ होगा, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।